निशान सिंह का परिवार देख लो, चार छोटियां कुड़ियां, एक निका जिहा मुंडा आवे ते घर देख लो पाले टैन वाले है नी। ये लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब च, पुलिस आई है, 50 to 60 बंदे नाल कब्जा कंपनी बनाती इन्होंने। गुरदासपुर के पिंड फुलड़ा के जमीनी विवाद में लैके चली गोली दे विच चार व्यक्तियों की मौत हुई सी। पिंड फुलड़ा की सरपंच लवली देवी के घर वाले सुखराज सिंह समेत तीन की मौत हुई है। पीड़ित परिवार नाल दुख सांझा करन लई पंजाब प्रदेश कांग्रेस के सबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके पिंड फुलड़ा च उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बच्चों के हाथ च आ चुकी है, जिन्होंने कानून दी धज्जियां उड़ा दित्तियां हन। सिद्धू ने कहा कि सरकार कब्जियां दी सरकार है, जिथे दो बंदियां नूं दिन दिहाड़े करीब 50 बंदे हथियारों नाल लैस होके गोलियां मार जांदे हन। उन्हें कहा कि 24 घंटे बीतने के बावजूद भी दोषी अजे पुलिस की गिरफ्त तो बाहर हैं। सिद्धू ने कहा कि जेकर जल्दी ही दोषियों को काबू ना किया गया तो असीं धरना लगा के रोस प्रदर्शन करांगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों अज एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन को लैके पूछे गए सवाल के जवाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि फोर्स जरूर बनाउण, लेकिन फायदा तां है जेकर जमीनी पद्धर ते कम होवे। उन्हां कहा कि अज पंजाब च जंगल राज बनिया होया है ते जगह जगह ते वारदातां हो रही हैं। निशान सिंह का परिवार देख लो, चार छोटियां कुड़ियां, एक निका जिहा मुंडा आ वेख, ते घर वेख लो पाले टैन वाले हैं जी। ये लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब च, पुलिस आई है, 50 to 60 बंदे नाल कब्जा कंपनी बनाती इन्होंने। अगे पिछली बारी उन्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी, इन्हें कब्जा कंपनी बनाती। पुलिस नाल खड़ी है, पिछे 2 किले पिछे पुलिस खड़ी है, ते गोलियां 50-50 निकलियां ने। जड़े मारे ने 50-50 गोलियां एक एक बंदे दे विचों। तुसी सोच के वेखो ए इन्हां कौन पालू है। इट इज़ अ बंच ऑफ एमेचर्स रनिंग दिस गवर्नमेंट। कोई अनुभव नहीं सरकारां किवें चलदियां ने, हैं जी। अराजकता दा मतलब तुसी देखो तो सही, अराजकता दा समाचार है चारे पासे। कबड्डी खिडारी उपर भी इस तरह कीता गया। मैं क्या कबड्डी खिडारी दी गल नाल सड़क दे उत्ते फगवाड़े गोली चली है, मोगे चली है, कछू वाले चली है, जलंधर चली है, लुधियाने बंदा मरिया, किन्ने चार टूरनामेंट वाले मारते, चार अज इत्थे मारते, ते की कसूर है इन्हां दा। वाही करन डए आपदी जमीन दी, दो किलियां दे उत्ते कब्जा कराउण आया, पुलिस नाल लैके आया, ते इत्थों कहिंदे आ जी कि कांग्रेस के सरपंच ने गोली चलाती। वो 60 बंदे गोली चला रहे उहदे ते, वो की करूगा आपदे खेत दे विच, सैल्फ डिफेंस भी नहीं करू है। सर ये नया पंजाब की बात करते थे। ए जड़ी ए जो कुछ हो रहा है ना, ये जो कुछ हो रहा है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये जड़ी बदलाव वाली गल है ना, ये लोगों ने उतर जाना सारा कुछ, ये जड़े संताप भोग रहे हैं ना, इन्हां दी हावां नहीं मार देना। देखो लॉ एंड ऑर्डर किसी पार्टी का मोहताज नहीं हुंदा, लॉ एंड ऑर्डर सारे वास्ते हुंदा है। कानून व्यवस्था तो बड़ा फंडामेंटल राइट, मैं कल भी कह, कोई नहीं है जिथे जान माल ही महफूज नहीं, उत्थे कादी सरकार है भाई, उत्थे की है। देयर इज नो गवर्नेंस, नथिंग कॉल्ड गवर्नेंस। 15 दिन नहीं होया जे ते तुसी दूजे पासे इत्थे जंगल राज कायम करी जाने, तो दूजे पासे तुसी इलेक्शन जितन फिरदे हो हैं। 10 दिनों करप्शन भी दूर करती, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन्ड है, सारा कुछ ही ठीक है, ये गल्लां नाल चलदी है सरकार। सर अज एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है, सर दिवे टॉकिंग अबाउट गठन किया गया, ओदे बारे किद्दां सोचदे यार। मैं कहना फोर्सां जिन्नियां मर्जी बना लो, गल्लां जमीन ते लाओ। ज्यादा मैं होश संभालिया है, मैं इह जी परिस्थिति देखी नहीं छोटे भाई, तू देखता सही, जमीन ते उतरो ना, अखबारां च पढ़ के कुछ होर लगता, लेकिन जदों जमीन ते उतरो देखो ना कुछ होर ही है गल। बंदा ही नहीं है घर च कोई, तू दस मैनू चार कुड़ियां आ निका जिहा जवाक मां ते घर वाली आ खड़े है, दस इन्हों कौन पालू है। उधर देख जाके
मतलब यार मतभेद हो सकते हैं, तुहाडे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तुसी किसी ने गोली थोड़ा मार दोगे, कौन कॉम्पनसेट करू इनू, दे सकते हो इनू प्यो? मतलब हद होगी, अज तक कोई अरेस्ट नहीं किया, शाम को राती 9 बजे का परचा दिता, और पुलिस को पता होना चाहिए, इनफॉर्म करके आना चाहिए, पुलिस नाल खड़ी है, पुलिस की मौजूदगी च वाकया हो रहा है। जिंदगी नहीं, जान माल महफूज नहीं, किसी चीज का कोई मुल नहीं। So you think it's a political killing deliberately they're trying to Look, target? What I'm saying is that first the culprits should be booked and behind bars. We'll see what happened after that. How do you see police facilitating the road? Oh no, the police was with them. Brother, the police was with them, standing behind them. ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਪੁੱਛੋ 2 ਕਿੱਲੇ ਜੀ ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਐਲਸ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦਸੂਏ ਆਏ ਬੰਦੇ 53 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾ ਦਾ ਬਿਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਬੰਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਨੇ ਹੋਣੇ ਮਿਊਟ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਨੀ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਰਮ ਦਿਸ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਕ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਵੋਟਡ ਫਾਰ ਯੂ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਚੇਂਜ ਦੈਟ ਦੇ ਵੋਟਡ ਫਾਰ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦਸੂਏ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਮਾਰਿਆ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ੁਰਤ ਤਾਂ ਦੇਖ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਰਤ ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਭਾਈ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ